एक नंबर भी है हाँ महाराज जी आप बताओ ना अब देश विदेश से जुड़े हुए सभी भाइयों का स्वागत। अभी अभी हम दिलदार नगर के पशु मंडी में आए हैं और देखिए आप लोग के सामने तरह तरह की भैंस दिख रही है। सुबह का वक्त है, अभी समय जो हो रहा है करीब 9 बज रहे हैं और आप लोग को मालूम ही होगा कि शीतकाल के वजह से बहुत सारे जो व्यापारी और किसान होते हैं वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं मौसम के वजह से, ख़राब मौसम के वजह से। इसी वजह से पशुओं की जो संख्या अभी थोड़ा कम दिख रही है और थोड़ी ही देर में काफ़ी सारी पशुए से ये मंडी जो है भर जाएगी। और जानकारी के लिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि अमेला मंडी प्रत्येक मंगलवार के दिन लगता है। तो आज के इस मेला मंडी से चल करके कुछ आप लोगों को भैंस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कीमत के साथ। खोलिए घुमाइए इसको बढ़िया से। सामने ले चलिए, आप लोग के सामने जो ये भैंस है देखिए इसके चाल डाल में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। बहुत ही आसानी से ये जो भैंस है चल फिर ले रही है। थोड़ा सा पीछे होके बढ़ाई आगे रात की ब्याई है, रात की बच्चा का है, इसके नीचे बच्चा पाड़ा है। हाँ अभी नाभि लगा हुआ है। कौन सा बयान में है ये भैंस? दूसरा। दूसरा दूध कितना है रियल बताइएगा? दूध 14 लीटर। दूध 14 लीटर, 14 लीटर दोनों टाइम का? हाँ दोनों टाइम का, 7-7 लीटर। अच्छा कीमत कितना रखे हैं? कीमत 1.10। कीमत 1.10। देने वाला बताइएगा, उसी में कुछ कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और देखिए भाई मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप इस मेला मंडी में आएंगे पशु लेने की नीयत से दाम कम करेंगे तभी पशुओं का कीमत कम होगा। काफ़ी अच्छी भैंस है। नहीं नहीं रहने दीजिए। ज्ञान से अज्ञान से बहुत अंतर है। नीला अपने से भाई जी ये भैंस कौन से बयान में है? पहला बयान है, करेक्ट है। पहले का बयान है 5-5 किलो दूध करती है। अच्छा 5 किलो टाइम पे दूध है। पहले बयान के बच्चा क्या है इसके नीचे? बड़ा। दांत में बता सकते हैं कितना दांत है? 4 दांत। दांत में 4 दांत है। कीमत इसका जरा बताइएगा, देने वाला कीमत एकदम बताइए।
65,000 देने वाला एकदम बोलिए, देने वाला 65,000। अभी तक इस भैंस का कीमत कोई लगाया है मंडी में? लागत है कितना? 60। 60 मिल रहा है, 65 में देंगे आप तो? ए भाई पूरा पगड़ी जबरदस्त बांधे हो। पगड़ी तो हमनी का बिहारी बनैबे करी पगड़ी। अरे गजब। एक बात बताइए, थोड़ा सा घुमा दीजिए अपने पड़िया को। आराम से आराम से आराम से। जिन भाइयों का कम बजट होगा उन लोग के लिए ये भैंस मैं दिखा रहा हूँ। बहुत ही हल्की भैंस है, कोई खास नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों का पूंजी थोड़ा कम होगा वो बिचारों के लिए ये भैंस सही रहेगी। इस भैंस का हम कीमत जानने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा बयान में करिया पाड़ी है? दूधात के है, दूधात के, दूधात, दांत में दूधात है। हाँ दांत में दूध। अरे बच्चा बड़ा लग रहा है। बच्चा पाड़ी, बच्चा पड़िया है, बड़ा लग रहा है। कितना दिन का हो गया पड़िया? 15-20 दिन का। 15-20 दिन। दूधवा कितना है इसका? दूधवा भी आप 5 किलो 10 किलो दोनों बेरा मिल के, दोनों टाइम का 10 किलो। हाँ का कीमत रखे हैं आप? कीमत अगर मंगा तो 92,000 मंगला से मिलत हो। देने वाला बताइए। 92,000 और 65 पे देंगे? 92,000 कितना बोल रहे हैं? 52 या 92? 92,000। हाँ कीमत बहुत अनमोल बोल रहे हैं, क्या बात है। 92,000 बोल रहे हैं, 92,000 बोल रहे हैं। ए भाई कुछ ऐसा संगे संगे यो ना जी। हाँ हो जा तू ही के। हाँ जा बेचाई हो जा। आपका भी कीमत लग रहा है क्या साथ में? जी साथ में ही जाएंगे। अरे देने वाला कीमत बोलिए, का नखड़ा मार रहे हैं। क्या होगा, क्या होगा कीमत? बेचवावा कीमत बेचवावा तू मीडिया वाला झूठ के ने मने विदा करब। अरे कीमत बोलिए ना। कौन है ना? 65 65,000 देने वाला जी। चलिए 2 घंटे बाद फिर से हम आएंगे, फिर से हम कीमत जानने की कोशिश करेंगे और बिकेगी तो भी हम जानेंगे कि कितने में ये भैंस बिकी है। ये कुछ अद्भुत दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है भाई, कितना कितना बोल रहे हैं? कुछ बाजार से अलग दिया भैंस। आप लिखने वाले भाई यहीं पे हमारे साथ, क्या नाम है आपका? अभिषेक। अभिषेक भाई आप लिखते हैं ना? हाँ। जरा इस पे ध्यान दीजिएगा कि ये भैंस कितने में बिकी है, हम आएंगे ठीक है, कवर करेंगे वीडियो। चौसा मंडी में, दिलदार नगर मंडी में, एक से एक भाई बेचलेगा निदान के बेचले वाला। चौसा मंडी में हमारा से दामी भाई के होने के बेचो। अच्छा क्या नाम है? सोनू उपाध्याय। सोनू उपाध्याय इटाही थाना, हमने के इटाही थाना के लगे बक्सर जी। हाँ चलिए ठीक है, आपके जानने वाला लोग जान जाए। मनोहरपुर। हाँ मनोहरपुर इटाही थाना में पड़ेगा। चलिए ठीक है। एक बार फिर से इस भैंस को देख लीजिए आप लोग, बहुत ही हल्की भैंस है। जिस हिसाब से अभिषेक भाई, जिस हिसाब से इसका कीमत भाई मांग रहे हैं, ज़्यादा मांग रहे हैं ना? अरे बिकेगी 48-46 बिकेगी, 50 तक बिकेगी। इस समय वैसे भैंसों का बयान कम है, बच्चा भी इसके वजह से लोग थोड़ा ज़्यादा रेट मांग रहे हैं। बच्चा पड़िया है, पड़िया दूध भी गलत बता रहे हैं। दूध 10 लीटर बोल रहे हैं, नहीं देगी 10 लीटर दोनों टाइम का, 50 तक। ये दोनों टाइम में मिला के ना इस भैंस का जो दूध होगा 6 लीटर के आसपास आ जाएगा, अब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। कद काठी की भी हल्की है, छोटी है। ना
आप लोग के सामने दो भैंस को दिखाया जा रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखिए, दोनों पशुओं को चलने फिरने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसानी से ये जो भैंस है चल फिर ले रही है। थोड़ा और बढ़ाई भी आएंगे और बढ़ाओ उसको। इसका दूध बताइए भैया, इधर वाले का। इसका दूध है 17 किलो, उसका दूध 18 किलो है। ये कौन सा ब्यान में है? इधर दोनों दोनों दूसरा ब्यात में है। और इधर वाली? दूसरे ब्यात में है। दोनों दूसरे ब्यात में। इसका बच्चा क्या है? पाड़ा है दोनों का। दोनों का पाड़ा है? दोनों का पाड़ा है। दोनों का कीमत क्या होगा? एक एक कीमत कीमत दोनों का 360 मांग रहे हैं। 360। इधर वाले का क्या होगा? इसका 170 हो रहा है। और इधर का? उसका 190 हो रहा है। अभी तक कितना लग रहा है दोनों? दोनों का दाम लग रहा है 245। सही बताइएगा। 240 लग रहा है, 45 लग रहा है, 2 लाख दोनों का जोड़ी में। कहाँ तक देने का उम्मीद है? दोनों का दे देंगे 270 पर। चैनल लड़का भाई तब करेंगे इंक्वायरी। हम कहा करते फोटो खींच भेजवाल हर मोबाइल। महेंद्र भैया, इस भैंस का दूध बताइए जरा। 214 किलो का भैया। कौन सा बयान में है? दूसरा प्रमोद चा का बारा ना का सब घूमत हमार भैंस देखे में मत डरा लो। बच्चा का है इसके नीचे? बड़ा है भैया। है क्या कीमत कितना रखे हैं? कीमत 110 रुपये भैया। देने वाला बताइए? देने वाला 95। 95। अभी कितना लग रहा है क्या कीमत? कीमत 90,000। 95 देंगे आप? अरे भैंस का कीमत ज्यादा बता रहे हैं क्या आप लोग? ना ना, इतना मिल रहा है। कितना कितना मिल रहा है जरा बताइए? 1 लाख रुपया मिला था। वो तो बोल रहे हैं कि 95 में देना है। नहीं नहीं, 1 लाख रुपया कम पहुँचना है। 1 लाख लेंगे? कितना दूधवा है? दूध इसका 14 सेर है। 14 सेर है? 7 किलो टाइम। 7 किलो टाइम का दूध बताया जा रहा है इस भैंस का। और जो कीमत है, हमें महेंद्र भैया बोले हैं कि 95,000 रुपये। वो कहा जा रहा था कुछ जान रहा था, कुछ जाने लगा वो। आगा।
किसान के द्वारा लाई हुई भैंस है। किसान है भैया। हाँ नमो का पता ही नहीं। मन्नू सिंह सैदपुर। पूरा पता बताइए। हाँ मन्नू सिंह। हाँ सैदपुर। सैदपुर बासुचक गांव। अच्छा हाँ बान भेज दे। भैया थोड़ा सा यहाँ पे आई। हाँ भैया बताइए अपने पशु के बारे में। जैसे कि मेरी घर की भैंस है और पहला में पाली भी आई थी और दो महीना डेढ़ महीना पर पाल खा जाती है। ये भैंस बेचने लायक नहीं थी। रुपया के इमरजेंसी में आज 11 रोज हुआ है पाली दिया है। प्योर काला पोछ भी काली हाथी का बच्चा दिया है और 7 महीना बच्चे पे दूते हैं। अब भैंस का बच्चा बड़ा हो जाता है हुब्बा मारती है तो हटा कर और हौदी बबान का थोड़ा पिसान फेंक कर 1 महीना आते 8 महीना तक दूहिला 2 महीना इनके बिस्काहिला 8.5 महीना दूह लगने भैया गाड़ी देवे लगल कि 8.5 महीना दूबे तो भैंस कब मजा दे। हाँ तो कौन सा बयान में है। बयान में अभी दूसरा बयान है। बच्चा भी बताइए कौन सा है क्या है? पाली है। प्योर काला बच्चा। प्योर हाथी का बच्चा आज 11 रोज हुआ है बच्चा देने। हाँ दूध बताइए कितना। दूध तो हम 16 लीटर दुहा हूँ दोनों टाइम में। हाँ 800 रुपया पछाड़ी का भैंस 5.5 सेर का अगाड़ी का 3 सेर का 2.5 सेर 3 सेर का अगाड़ी है 5 सेर का पछाड़ी है। हाँ कीमत कितना रखे हैं। कीमत घर पर 11-12 लाख रखते थे मगर लोग 1.5 लाख देते थे। 1,60,000 नहीं बेचना मन था। हाँ मगर ललका बोल दिया कि पापा ले जाओ बेचो पैसा काम है। हम बोले ठीक है ले जा सीधी लाकर 8 बजे रात को दौड़ के बस भैंस की चढ़ा दे। अभी तक बताइए कितना मिल रहा है। अभी तो 1,30,000 लोग दे रहे हैं। 1,10,000 दे रहे हैं। 1,20,000 दे रहे हैं। मैं 1,80-1,70 का रहा हूँ। लास्ट देने वाला कीमत बताइए कौन सा होगा। लास्ट लेना है तो 1.5 लाख में दे देंगे। 1.5 लाख खाली बच्चा दिया ले 11 रोज हुआ प्रत्येक लेगा कल के बाद हम तू लाख का व्यवस्था बना ना हम कल के घर में 21 लाख लगा ना अभी 20 लाख लगा हूं का ना। पैसे की जरूरत की वजह से पशु को बेचना पड़ रहा है। हां हां नहीं बेचना। का नाम बताएं आप। अहिमन्नू सिंह बासुचक। पूरा पता बता दीजिए। पूरा पता देवकली ब्लॉक। अच्छा हां नंदगंज के बगल में पहाड़पुर गांव के बगल में बासुचक गांव पूरा बिहार को ये तो जनिया हमारे ससुराल हो भानपुर। अच्छा हाँ कोचर दिनारा के बगल में। नमस्कार चाचा। चलो हमारे तो फोन करब ना। हाँ बता दे। नमस्कार और सब ठीक है ना। हाँ ठीक तो नहीं यहाँ पे आइए बैठिए एक मिनट का समय दीजिए। बोला भाई साहब की है। हाँ कौन सा बयान में है। दूसरा बच्चा क्या है। पाड़ा। दूध कितना है। दूध 12 से। सही बताइए। सही झूठ ना बोलते हैं। हाँ आज तो 3 दिन का ब्याह लिया थोड़ा बार लेकिन 12 से दूध देते। कीमत कितना रखे हैं। कीमत एक मांगत है 82,000। देने वाला बताइए जरा। देने वाला तू ही बता था।
हमको लेना नहीं है तो फिर हम जानत हैं भाई तो बताइए देने वाला का कितने में देंगे ग्राहक को आप वही बता दीजिए। ग्राहक को दे देंगे 75 मन करे लेना। अरे कितना भैंस लाए हैं अभी आज बेचने के लिए? 8 गो लिए हैं। कितना बिकी हैं? एक ठे मई बोनी भाई बा। मार्केट कैसा है? मार्केट ठीका है। ठीक है। ये भैंस अभी अभी बिकने जा रही है, ग्राहक काफी लगे हुए थे इसके पीछे। देरी रही कुछ इस भैंस को देखने के लिए इतना सारी भीड़ इकट्ठी हो रही है। बाटा में 15 भैंस हुआ चला भैंस अब 20,000 मत चला भाई अब एकदम बोला मत अब चला जाओ अब आटो बोला मत एकदम भाई रुक जा एकदम खाली मुंह रखा भाई जा एकदम ना एक ना देला पूरी फिर भाई ले गया यार अगर फिर है 25,000 खर्चा भाई देखा कहां मिला था कहां मिला था अब मैं तुम्हारी इज्जत कर दिए बस अब एक मिनट लगाऊंगा कौन लिए है? कौन लिए है? सफेद शर्ट वाले का नाम है इनका संजय बताओ तो ना ये 15 एक 15 आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश यादव है, बल्ला पहलवान बोलते हैं आपको। अच्छा कहाँ से आए हैं वो भी बताइए। हम आए हैं इटारसी से। इटारसी जी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से दिलदार नगर के पशु मंडी में पशुओं की खरीदारी करने के लिए। हाँ, दिलदार नगर पशु की खरीदारी करने के लिए आए हैं। आप कितने साल से यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ हम 4 से आ रहे हैं। मंडी कैसा है वो भी बताइए। मंडी अच्छा है, जानवर यहाँ का बढ़िया निकलता है, दूध वाला है जी, नया से नया ले लो। जैसा चाहो वैसे जानवर ले लो। आप मध्य प्रदेश में जब भी यहाँ से पशु ले जाते हैं तो कितनी की संख्या में ले जाते हैं? एक गाड़ी ले जाते हैं, 14 जानवर भर के ले जाते हैं। 13-14। जब भी आप आते हैं यहाँ पे, मैं कई बार से देख रहा हूँ आपको, तो एक बार में मतलब कितनी गाड़ी ले जाते हैं? एक गाड़ी या जैसे एक गाड़ी दो गाड़ी। अच्छा। और भी 7 के लोग आते हैं तो 2 गाड़ी भर ले जाते हैं। आप बड़े व्यापारी हैं इसका मतलब। एक गाड़ी तो परफेक्ट ले जाती है। एक गाड़ी आपका निश्चय है ना? अभी भी एक गाड़ी लोड हो। अच्छा जी, चलिए ठीक है। खरीदार हमारे जित्तू भाई है। जित्तू भाई, जित्तू भाई उत्तर प्रदेश से हैं। यही है मैंने नहीं, एक जित्तू भाई कहेंगे तो हरियाणा का नाम धार लेंगे। हरियाणा का फेमस है जित्तू भाई। यूपी वाले, ये यूपी के हैं, पशु दिलाने वाले फेमस है। चलिए का हो भाई, नीचा गिल पड़िया। कितने में बेचे हैं? नीचा लिया 51,000। कितना? 51,000। सुबह कितना मांग रहे थे? मांगे 90-95 में मंगाई है भाई, मंगला से मिले ला मऊ। हाँ, 51 में बेचे हैं जी जी। 50,000-51,000। ठीक है।
सुबह के वक्त इस भैंस का जो कीमत हमें बताया जा रहा था वो करीब 90 से ऊपर बताया जा रहा था। और अभिषेक भाई हमारे कैमरे के पीछे आ गए हैं, अभिषेक भाई अभी भी आए हैं हमारे पास। ये सुबह के वक्त 90,000 रुपये से ऊपर बोल रहे थे इसका कीमत, और अभी अभी कितने में बिकी है? 50 की बिकी होगी। 51,000 बोल रहे हैं। 50 की बिकी, 50 की बिकी है, तब 1,000 रुपये झूठ ही बोल रहे हैं ना। 51,000 रुपये में बिकी है, 50 की, 50 में